अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब खैरियत से हैं। अच्छा भाई, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि यार यहाँ पे जो हम पाकिस्तानी आइटम जो हम परचेज कर रहे होते हैं या मैं पर्सनली परचेज करता हूँ, जो इस्तेमाल करते हैं, वो कौन कौन से हैं। मैं आपको पाकिस्तानी स्टोर के एक थोड़ा सा एक ओवरव्यू भी देता हूँ, जिस पाकिस्तानी स्टोर में मैं नॉर्मली जाता हूँ और ग्रोसरी करता हूँ, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ उसका किस तरह से एनवायरमेंट है। और इसके अलावा कुछ आइटम्स आपको दिखाता हूँ कि नॉर्मली किस तरह के आइटम मैं यहाँ से ले रहा होता हूँ। अच्छा, अगर कोई बाहर रहता है, खासकर हम लोग बाहर रहते हैं और पाकिस्तान से दूर रहते हैं, तो पाकिस्तान की बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम लोग मिस कर रहे होते हैं, खासकर जो कराची के टिपिकल आइटम्स होते हैं, बेकरी के जो आइटम्स होते हैं, जो समोसे वगैरह शाम के जो स्नैक्स होते हैं, वो हम लोग काफी ज्यादा मिस करते हैं। तो एक प्रॉपर जो ताजे समोसे मिले, सही तरह से चीजें मिले, वो सारी चीजें हम लोग मिस कर रहे होते हैं। समोसे वगैरह तो मिल जाते हैं, बेकरी के आइटम भी मिल जाते हैं यहाँ पे, अब तो एक्सपोर्ट होना शुरू हो गए काफी सारी चीजें, तो वो सारी चीजें अब मिल जाती हैं, तो जिसकी वजह से ये होता है कि थोड़ी बहुत कमी पूरी हो जाती है। लेकिन ये कि बिल्कुल वो वाला माहौल तो नहीं बन पाता, लेकिन आई वुड से अच्छी खासी चीजें मिल जाती है। सो आपके साथ वो मैं शेयर करता हूँ। हम आए हुए पाकिस्तानी स्टोर में। ये दोबारा जो है ना, इसके पैसे उन्होंने कम कर दिए। ये चीज़ हम लोग लेते हैं। अरे, एक बास्केट लेके वहाँ से। सारे जो है ना बिस्किट वगैरह पाकिस्तानी आइटम आपको यहाँ मिल जाते हैं। ये वाला लिया नान खटाई, ये लेके जाते हैं हम लोग यूनाइटेड किंग की सॉफ्ट कुकीज। बाकी जेम डिलाइट भी उठा लो यार एक। ओके चलो आ जाओ। अच्छा यार, ये कुछ आइटम्स हैं जो नॉर्मली हम लोग पाकिस्तानी स्टोर से मैं खासकर ले रहा होता हूँ, जो मैंने आपके साथ शेयर की, ये कुकीज वगैरह, बिस्किट्स, या जो पाकिस्तानी जो और डिफरेंट आइटम्स हैं उससे जो चीजें होती हैं, ये चीजें टिपिकली हम लोग ले रहे होते हैं। और मैं खासकर जो कराची से रिलेटेड जो आइटम्स होते हैं, पफ कुकीज हैं या वो पैटिस टाइप के जो कुकीज आते हैं, वो थोड़ा सा उनका एक खारे का टेस्ट आता है। ये बाकर खान ही हम लोग लेते हैं नॉर्मली। अब तो यहाँ पे ये थोड़ा सा कराची स्टाइल की जो है वो चीजें आना शुरू हो गई हैं, पहले तो नहीं आती थी तो मिस करते थे वो चीजें, लेकिन अब ये कि कराची के आइटम मिल जाते हैं, उसमें थोड़ा सा ये होता है कि हल्का फुल्का आपको समझ में आ जाती है कि कराची का थोड़ा सा स्टाइल नजर आ जाता है। तो इस तरह के जो आइटम यहाँ पे मिल जाते हैं, जो कराची में टिपिकली हम लोग इस्तेमाल करते थे या अभी हम जाते हैं तो करते हैं नॉर्मली, वहाँ की ये चीजें आपको नजर आ जाती है ज्यादा एज कम्पेयर टू अदर पार्ट ऑफ द कंट्री इन पाकिस्तान। तो कराची में ये चीजें आपको अमूमन नजर आती हैं, इस तरह के आइटम, बेकरी के आइटम हो गए, ठीक है, वो चीज हम लोग यहाँ मिस करते थे। लेकिन अब ये कि यहाँ पे वो चीजें आना शुरू हो गई हैं, वो आपको नजर आती हैं चीजें यहाँ पे। अगर उस तरह की कोई चीज ऐसी जो कराची में मिलती है और वो यहाँ नजर आती है, तो कोशिश ये होती है या दिल ये चाहता है यार वो आइटम ले लें और उसको भी ट्राई करें, ताकि वो जो कराची वाला मजा है उसको दोबारा से तरोताजा कर। तो ये एक अच्छी चीज है, थोड़ा एक ओवरऑल आपको लुक भी दे दिया कि पाकिस्तानी स्टोर जिसपे मैं नॉर्मली ग्रोसरी करता हूँ, तो उसका एक ओवरऑल ओवरव्यू किस तरह से, उसका ओवरऑल एनवायरमेंट किस तरह से। ओके भाई, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।